बैक गाइस, आज हम लेके आए हैं टीवीएस की जो चाहिए थी बाइक है आरटीआर। तो आरटीआर का रिव्यू करने वाले हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बता दूं। ये 2018 का मॉडल है, 17-18 का, और ये मॉडल है 2020 का। तो इसमें और इसमें जो ग्राफिकल वाइज चेंज है और जो इंजन में स्पेक्स चेंज हुई है उस सब के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है ये BS4 और साथ में इसमें ABS देखने को नहीं मिलता है आपको। और बात करें उसकी तो BS6 का मॉडल देखने को मिलता है और साथ में ABS सिस्टम आपको देखने को मिलता है इस बाइक में। साथ ही अगर दोस्तों बात करें इसमें ग्राफिकल्स की तो यहाँ पर देख सकते हो पहले सिल्वर पैटर्न दिया गया था जो कि पूरी बाइक में कवर किया जाता था, बट अगर इसमें देखें तो इसमें रेड और वो मतलब जो कार्बन, तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो कार्बन ब्लैक फिनिश और साथ में थोड़ा सा रेड का यूज़ कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो RTR का लिख रखा है। और अगर बात करें दोस्तों तो पहले आपको वहाँ पर अपाची देखने को मिलता था लिखा हुआ, बट अब यहाँ पर आपको TVS का जो हॉर्स लोगो है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों स्विचेस के बारे में तो स्विचेस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। डिफरेंस आने वाला है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों इसमें इस जगह पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ABS की ऐड की गई है इसमें, साथ ही इंजन चेक लाइट भी इसमें ऐड की गई है। बाकी जो दूसरे सर्विस और बैटरी फ्यूल के रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले से देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों ये आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलती है तो इस वजह से ये फ्यूल वाला देखने को जो मतलब है वो ज़रूरी हो जाता है। साथ ही पीछे से अगर बात करें दोस्तों तो बाइक्स के ओवरऑल फिगर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा स्कूटी ज़्यादा कर दिया गया है, इसको टैल को थोड़ा सा छोटा कर दिया है और पहले टैल थोड़ी सी लंबी देखने को मिलती थी आपको। साथ ही अगर बात करें एग्जॉस्ट नोट की तो दोनों के एग्जॉस्ट नोट आपको पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस अगर मिनिमम अगर इंच टैप लेके देखें तो इसका होल थोड़ा सा बड़ा है, इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसमें आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों में ही पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलती है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, टायर साइज़ पहले जो यूज़ हो रही थी वही यूज़ हो रही है। एज वेल एज 2020 में गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा अपेयरिंग हो जाती है और रोड प्रेजेंस थोड़ी सी हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाइडनेस और कलर्स की स्कीम्स के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन। पहले आपको RTR यही देखने को मिलती थी अपाचे RTR, बट जैसे ही 4V लॉन्च की थी इन्होंने तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना ज़रूरी हो गया था, वरना इस बाइक को कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब इसके प्राइस में अगर आप देखेंगे तो 4V से थोड़ा सा कॉस्ट कम रहती है इसकी, और पावर वगैरह की बात करें तो वो तो सारी जैसे 160 में उसमें मिलती है उसी टाइप से इसमें मिल जाती है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है इसके मुकाबले में, बट एज वेल एज अगर बाइक की क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही अभी भी वैसी ही है। अभी दोस्तों दोनों में जो की स्पेक्स है 18 से 20 में क्या चेंज हुए उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो दोस्त ये आपको पहले एक्स शोरूम प्राइस 180 की मिल जाती थी, 85,000 रुपये एक्स शोरूम मिल जाती थी शोरूम पर अगर जाके देखे तो। और अगर इसकी बात करें तो ये मिलती है अब दोस्तों 96,000, मतलब 11,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है सीधा सीधा। उसके बाद आपको मतलब इसमें थोड़े से वेरिएंट्स में भी चेंज है, जैसे कि ड्यूल डिस्क हो जाती है वो ABS वगैरह, ये अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। वो शोरूम में जाकर अपनी जो आपको लेनी है उस हिसाब से आप चेकिंग करवा सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें पहले यहाँ पर लिखा हुआ आता था अपाची, यहाँ पर कोई भी तरीके की लोगो नहीं देखने को मिलता था, बट यहाँ पर अभी दे दिया है 3DM के साथ लोगो हॉर्स वाला और अपाची यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही और अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलता है, जबकि पहले किक देखने को मिलता था, और जहाँ पर से किक हटाया है वहाँ पर इसमें एक कवर दे दिया गया है जो कि थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही इस वाली डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये भी आपको चेंज देखने को मिलेगी इस साइड से अगर बात करें तो। ये एज वेल एज़ दूसरी कोई मतलब अलग बात नहीं है, बट यहाँ पर प्लास्टिक थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी का लगता था और यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का फील होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो विदाउट फ्यूल की अगर बात करें तो इसका वेट पहले आता था 135 kg का और अब आता है 139 kg का, तो थोड़ा सा वेट इंक्रीज हुआ है इस बाइक में। तो ये थोड़ा सा सिस्टम वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अगर देखा जाए तो। बात करें हॉर्न पोजीशन की तो पहले आपको हॉर्न ऊपर की साइड देखने को मिलते थे इस जो फिन है इसके पास में, और अभी अगर बात करें तो दोस्तों फिन से नीचे कर दिए गए हॉर्न, यहाँ पर इसकी पोजीशन हो गई है। और अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो साइलेंसर है उसमें भी तो इसके जो साइलेंसर है उसमें कैथलिक कन्वर्टर लगा रखा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको साइज बड़ी देखने को मिलेगी अगर बात करें इस वाले साइलेंसर के मुकाबले में तो।
अगर बात करें 2020 की तो यहाँ पर TVS रेसिंग लिख करके आपको यहाँ पर एक देखने को मिल जाती है चक्के के ऊपर स्टिकर, और पहले वाले की बात करें तो उसमें एक वाइट स्टिकर आता था, ये कस्टमाइज भी करवा सकते थे बाहर से भी, बट ये आता था पहले। और बात करें दोस्तों अगर इंजन में, तो इंजन में आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। पहले जो ऑयल कूल्ड की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती थी, एक रफ एंड टफ डिज़ाइन दे रखी थी जिससे कि ऑयल कूल्ड किया जाता था, बट अब अगर देखें दोस्तों तो बहुत ही अच्छे से रिफाइंडनेस के साथ जल्दी से इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑयल कूल्ड दे रखा है। इसमें जैसे ही इंजन का ऑयल गर्म होता है वो यहाँ पर आता है, यहाँ से सर्कुलेट करके वापस इंजन में जाता है, तो ये एयर के थ्रू ठंडा हो जाता है, तो ये कुछ इसका सिस्टम काम करता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पर आपको तिरंगा पहले भी देखने को मिलता था और अभी भी कंटिन्यू किया गया है, बट आगे 2020 में ऐड कर दिया था, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो फिर ग्रिप की बात करें दोस्तों तो दोनों में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब सीट साइज़ की बात करता हूँ कि अगर बैठूँ मैं तो कितना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों थोड़े से मतलब अगर बात करें तो थोड़े से एंकल साइज से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, बाकी एकदम कंफर्टेबल, और राइडिंग पोस्चर भी नॉर्मल सा है, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है और एकदम अपराइट भी नहीं है। बात करते हैं इसमें सीट हाइट के बारे में, तो इसमें दोस्तों दोनों ही मेरे पैर पूरे नीचे टच हो रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि यूज़ होने की वजह से सॉकर में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, इसके सॉकर थोड़े से डाउन हो जावे तो ये हो सकता है, ये डिफरेंस देखने को मिला है। बाकी दोनों बाइक्स में अगर पोस्चर की बात करें तो पहले जैसा ही है, कोई भी ज़्यादा एग्रेसिव या अपराइट पोस्चर नहीं देखने को मिलता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर सेगमेंट में जो होता है पोस्चर वही देखने को मिल रहा है।